दोस्तों आज मैं तत्काल टिकट निकाल रहा था, जो कि मैं पहले NRCTC से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ तत्काल टिकट निकाल रहा था, तत्काल टिकट निकालते निकालते मेरा बेडिंग चला गया, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि मैं देखिए माई ट्रांजेक्शन नीचे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे इस माई ट्रांजेक्शन में मैं क्लिक कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं वहाँ से आपको मिलेगा बुकिंग माई बुकिंग, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैं टिकट देख सकते हैं यहाँ से मैं बुकिंग किया था, जो कि मेरा वेटिंग में चला गया, जो कि मैं आपको इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको देख सकते हैं मैं क्लिक भी कर दिया, और यहाँ से मेरा देख सकते हैं यहाँ से वेटिंग जो देख सकते हैं मेरा यहाँ से 13 नंबर के वेटिंग यहाँ से शो कर रहा है, ठीक है। जो कि मेरा यहाँ से 10 नंबर पर वेटिंग में मेरा दिया था, मैं आपको दिखाऊँगा जो कि मेल जो मेरे पास आया था। तो बहुत सारे को ये मन में है कि मेरा जो इसमें पैसे जो लगाए हैं, इसमें पैसे मैं 3rd AC का टिकट लिया था, जो कि मेरा देख सकते हैं यहाँ से कि पैसे टोटल मेरा कितना लगा है। टोटल मेरा पैसे लगा है 2543 रुपया टोटल लगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ज़रा मेल पे आके दिखा दूँ, तो मेल को मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। तो अपना मेल को भी देख सकते हैं ओपन कर लिया, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से मैं कि टिकट बना रहा था बरौनी टू अहमदाबाद के लिए, और यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से पूरी तरह से वेटिंग दे दिया है। यहाँ से देख सकते हैं कि 13 नंबर वेटिंग में है, और मेरा यहाँ से कन्फर्म होगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे किए गलतफहमी होगा कि आखिर मैंने इसमें बेटिंग चला गया, मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे गलतफहमी है जो देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि ये टिकट है 13 नंबर बेटिंग है। मान लेते हैं कि जब ये ट्रेन जब चलेगा, और ट्रेन चलने से पहले 4 घंटे पहले आपको मेल या नोटिफिकेशन आपको मैसेज मिल जाएंगे कि आपकी इसमें चार्ट में आपको अगर सीट मिलेगा तो यहाँ से आपको कोच वोच सब आपको सीट नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको चार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये टिकट कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको NRCTC आपको कैंसिल कर देगा, और आपको रिफंड जो है आप मैंने यहाँ से देख सकते हैं AC का मैं बनाया था, तो AC का जो बनाया था आपको सिर्फ 1% पे, मतलब एक आदमी पे 65 रुपया कटेगा। अगर आप स्लीपर का बनाते तो आपको एक आदमी पे 60 रुपया कटता, ठीक है। और यहाँ से आपको पैसे 1-2 दिन में आ सकता है, या तो 7 दिन भी लग जाता है पैसे आने में, तो घबराए नहीं। अगर आप तत्काल में टिकट निकाले हैं तो आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर देखना है कि मेरा टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर भी कैंसिल नहीं करेंगे, तो फिर भी ऑटोमेटिक फ़ोन से जो बनाए हैं वो कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे मोबाइल से बनाए हैं या कंप्यूटर से बनाए हैं, फिर भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर वेटिंग में है तो। अगर आपको सीट कहीं मिल जाते हैं तो यहाँ से आपको शो कर जाएंगे PNR नंबर, यहाँ से देख ही सकते हैं। इस नंबर पर आपको पता कर सकते हैं कि मेरा यहाँ से टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, PNR में मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से देख सकते हैं जब आपकी सीट कन्फर्म होगा तो अभी मेरा देख सकते हैं 14 वेटिंग इसमें है अवेलेबल, ठीक है। मेरा वेटिंग नंबर 10 है, और यहाँ से आपको कोच पता चल जाएगा, यहाँ से बर्थ पता चल जाएगा, यहाँ से आपको जो भी सीट रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से चार्ट बने 4 घंटे पहले, और यहाँ से मेरा देख सकते हैं कि 57% मेरा यहाँ से चांस बन रहा है टिकट कन्फर्म होने का, कन्फर्म हो कि ना हो। अगर आप मानते हैं कि कैंसिल करते हैं तो कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि तत्काल टिकट में कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो पैसे रिफंड भी मिलने में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप कैंसिल ना करें, आपको सिर्फ वेट करना है। आपको एक मैं तरीका आपको और बता दूं। आप मान लेते हैं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अब उस टाइम में अगर आपकी वेटिंग चला जाता है तो आपका इधर भी पैसा फंस गया, आप दूसरे तरफ सोचेंगे उधर भी मेरा पैसे फंस गया, तो आप वेटिंग टिकट ले सकते हैं, वेटिंग या जनरल की टिकट ले सकते हैं। जनरल लेने के बाद अगर आपको ये टिकट कन्फर्म हो जाए तो जनरल तो कैंसिल नहीं होगा, वेटिंग अगर लेते हैं नॉर्मल वेटिंग तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि वेटिंग ही ले ले वहाँ से, अगर आपके कंफर्म नहीं होता है तो फिर भी आपको पैसा वो 7 दिन के अंदर में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे गलतफहमी रहते हैं कि भाई लोग को मेरा पेमेंट है वो रिफंड होगा कि नहीं होगा। तो आप सबको पता चल गया होगा इस वीडियो में, अगर आपके तत्काल टिकट अगर गलती से आप तत्काल टिकट निकाल रहे थे वहाँ से आपको वेटिंग चला गया 10 या 8 जो भी 20-25, तो आप घबराए नहीं, आपको 4 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर 4 घंटे के बाद आपको टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आपको टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा वेटिंग से, और आपको 7 दिन के अंदर में आपको पैसे मिल जाएंगे। आप कैंसिल भी करेंगे तो फिर भी कैंसिल कीजिए, फिर भी आपको उतने पैसे मिलेंगे क्योंकि वेटिंग है। अगर आप इसमें तत्काल टिकट में कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, आपको 0 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको बातें ध्यान में रखें, क्योंकि तत्काल टिकट जब बन जाते हैं तो वहाँ पर कैंसिल करने पे नो रिफंड है, बिल्कुल रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप काट के एक टिकट पे आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप सब समझ गए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरा वीडियो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो को कमेंट में कमेंट करिएगा, और जवाब देने का आपका प्रयास करेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।